हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप मेरा चैनल कुकिंग बाय लारेट। तो मैं बना रही हूँ आज आलू का पराठा, जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो घर पे आलू पके हुए थे, तो मैंने आलू कीमा पके हुए थे, मैंने उससे आलू ले लिए और आटा गूंदा हुआ था उसमें से मैंने आटा ले लिया कि अच्छे से चलें, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो पराठा पकाते हैं। तो मैंने अच्छे से पेड़े बना लिए, बेल लिए, फिर उसके बाद ऐसे कर लिया कि उसके ऊपर आलू की तह डाली। लेकिन आलू में मैंने ज़ीरा, रेड मिर्च इसकी एडिंग कर ली और फिर मैंने अच्छे से रोटी बेल ली और तवे पे डाल दी। फिर इसके साथ थोड़ा सा घी ऐड कर लिया। मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने वही घी जो पहले से यूज़ किया हुआ था वो मैंने दोबारा पराठे में ऐड कर लिया जी। तो ये देखें पराठे का कलर अच्छा आ रहा है, कोशिश से कुछ भी नहीं जाता है। और लोग अक्सर होते हैं कहते हैं ये कर लो वो कर लो, इजाफी चीज़ें जो घर में मौजूद है उसी को यूटिलाइज़ करें, फ़ायदा उठाएं। कोई भी अगर कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है तो अभी इससे पहले मैंने यही वीडियो पहले अपलोड की थी, उस पर कॉपीराइट आ गया जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शो नहीं होगी। तो मैंने अभी फिर इस पर वॉइस ओवर स्टार्ट की है। इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है मेरा चैनल भी एक दिन सक्सेसफुल होगा और मैं भी लोगों को बता सकूंगी कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा माइंड की ज़रूरत होती है कि आपने किस तरह अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाया है। हर चीज़ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वुमेंस के लिए मेरा चैनल बहुत मोटिवेशनल होगा। उसकी वजह ये है कि मुझे बिज़नेस करना बहुत पसंद है, तो इसी चैनल के थ्रू मैं सब वुमेंस को कन्वेंस करूँगी इंशाल्लाह कि हर लड़की हार्डवर्क करे, हर लड़की किसी से पीछे नहीं है। जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए कुकिंग चैनल, घर से बाहर ना जाने वाली छोड़ते वो ये सब कर सकती हैं। ज़रूरत नहीं है कि वो वॉइस ओवर करें, उन्हें चाहिए कि वो साइलेंट रह के जस्ट कोई सी सॉन्ग वगैरह प्ले कर ले। तो देखिए ये पराठा तैयार हो चुका है, ये इसकी फाइनल लुक है। आप सब बताएं कि मेरी कुकिंग आपको कैसी लगी और साथ साथ कमेंट में मुझे आगाह करते रहें कि मुझे वीडियो और बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। कोशिश करने से हर चीज़ हो सकती है और दुनिया जीती जा सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल कुकिंग बाय लारेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।